संगीत एक नशा है, जो एक बार मोहब्बत लग जाती है ना तो चाहे आप कुछ भी, इसके सामने हर नशा फीका है, तो संगीत एक नशा। सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। और सूफी कवाली इसलिए चुना ताकि ये मुश्किल चीज़ है थोड़ा, और मुश्किल चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आसान चीज़ें आपसे ऐसे ही आसानी से हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, मैं हूँ प्राची सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री के चाहे जाने वाले गीतकार जो हैं, गीत संगीत गाने वाले कवाली और पंजाबी, बिहार के लाल पंजाबी गाने वाले चहेते, मुख्यमंत्री के चहेते हैं अमित जी हैं, तो उन्हीं से हम बात कर। नमस्कार, मैं देशवा न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि देशवा न्यूज़ एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो अच्छे चीज़ों को प्रमोट करती है, अच्छे आर्टिस्ट को प्रमोट करती है। मैं अमित सिंह एमी, आपका भाई, आपका बेटा। हमारा शो होने जा रहा है 31st नाइट, बहुत शानदार जानदार मनाने जा रहे हैं हम लोग। न्यू ईयर का शानदार आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं 2024 का। पूरी बैंड हमारी परफॉर्म करने वाली है और सूफियाना कव्वाली का तड़का जानदार लगने जा रहा है। और पंजाब में मैं सीखा हूँ म्यूज़िक, तो हमारे अंदर सूफी थोड़ा सा आ गया है। बिहार के होने के बाद पंजाबी आपको पसंद? बिल्कुल, पंजाब में मैं अपना स्टडी पूरा किया हूँ, इंजीनियरिंग, मैं सिविल इंजीनियर में हूँ। और सिविल छोड़ के आप, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया गाने में? संगीत एक नशा है, जो एक बार मोहब्बत लग जाती है ना तो चाहे आप कुछ भी, इसके सामने हर नशा फीका है, तो संगीत एक नशा है। कब से आपने सोचा था इस क्षेत्र में? 26 मार्च 2012 से मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया हूँ हमारे शांतिलाल चौहान, हमारे राजकुमारी चौहान मैम के पास। उस दिन से हर रोज़ यही सोचता हूँ कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि हमारा समाज हमें याद रखे, एक ट्रेंड सेटर बनूं समाज के लिए। और सूफी कव्वाली इसलिए चुना ताकि ये मुश्किल चीज़ है थोड़ा, और मुश्किल चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आसान चीज़ें आपसे ऐसे ही आसानी से हो जाती है। तो बंगाल में जन्म लेने, हमारे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, रेलवे में थे, उन्हें अब रिटायर कर गए हैं, तो उनके बाद मैं चला गया पंजाब पढ़ाई करने के लिए। लेकिन गर्व से बिहारी हूँ और अपने बिहार को, माई फ्रेंड गणेशा, एक कंपटीशन हुआ था पंजाब में, बिहार को लीड करते हुए बिहार को जिताया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को। हमारी आवाज़ बहुत पसंद है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मिट्टी के लिए कुछ गाने का मौका मिलता है, मिट्टी के लिए कुछ गुनगुनाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। और मैं सूफी कव्वाली ही नहीं, फोक ही नहीं, मैं 10 भाषाओं में गाता हूँ। 10 भाषा? हाँ, 10 भाषा में गाता हूँ, तमिल, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, भोजपुरी, मगही, मैथिली, सब गाता हूँ। ये 31st को सुनने को मिलेगा? हाँ, 31st को सुनने को मिलेगा। सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि बिल्कुल फैमिली शो है ये, तो जरूर आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूफी कव्वाली गाने वाले बिहार के चहेते, मुख्यमंत्री के लाडले और महामहिम के भी लाडले हैं, तो आपने सुना। और 31st को पटना में इनका आयोजन कार्यक्रम होने वाला है, तो आप उस दिन पूरे तरह से 10 भाषाओं में आप उनका गाना सुनिएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।